अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद सुहेल यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एस सर्कल जब स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में आ जाए तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में एस को हम राइट साइड पर सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। यह है दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जब सीधा कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम एस सर्कल को राइट साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे है हमारे पास पास, तो पास को हमने पी को अबव द लाइन रिप्रेजेंट किया और एस को राइट साइड पर लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास पास। तो पी को हम अबव द लाइन रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमने एस को लगाया, तो ये हो गया हमारे पास पास। पी को हमने अबव द लाइन रिप्रेजेंट किया और ये एस को लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास पास। उसके बाद है हमारे पास डेज, तो डेज सेकंड प्लेस वाउल है, तो डेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने डी को रिप्रेजेंट किया और ये एस को रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हमारे पास डेज। डी को हमने रिप्रेजेंट किया, एस को रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हमारे पास डेज। डी को रिप्रेजेंट किया, एस को रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हमारे पास डेज। उसके बाद है हमारे पास कॉपीज़, तो कॉपीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने के को रिप्रेजेंट किया, पी और एस कॉपीज़, कॉपीज़ के पी एस, तो ये हो गया हमारे पास कॉपीज़। अब ये दोस्तों हम बगैर वावुल के लिख रहे हैं और बगैर वावुल के ही हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हमने के को रिप्रेजेंट किया, पी को रिप्रेजेंट किया और एस को रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हमारे पास कॉपीज़। उसके बाद है हमारे पास पीस, तो पीस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड प्लेस वाउल है, तो पी को हम थ्रू द लाइन रिप्रेजेंट करेंगे और ये एस, तो ये हो गया हमारे पास पीस। पी को हमने थ्रू द लाइन रिप्रेजेंट किया और ये एस को रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हमारे पास पीस। उसके बाद है हमारे पास पेज, तो पेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने पी को रिप्रेजेंट किया, जे को रिप्रेजेंट किया और ये एस को, तो ये हो गया हमारे पास पेज। पी को हमने रिप्रेजेंट किया, जे को रिप्रेजेंट किया और ये एस को रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हमारे पास पेज। उसके बाद है हमारे पास सेट, तो सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एस को रिप्रेजेंट किया, टी को रिप्रेजेंट किया और ये हो गया हमारे पास सेट फर्स्ट प्लेस वाउल। ये हमने एस को रिप्रेजेंट किया, टी को रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हमारे पास सेट। उसके बाद है हमारे पास सेड, तो ये है सेकंड प्लेस वाउल, तो इसको हम ऑन द लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमने एस को रिप्रेजेंट किया और ये डी को डार्क रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हमारे पास सेड। एस को रिप्रेजेंट किया, डी को रिप्रेजेंट किया, तो ये हो गया हमारे पास सेड। उसके बाद है हमारे पास सच, तो सच को हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू द लाइन, तो ये हो गया हमारे पास सच। सच और सेकंड प्लेस वाउल के तौर पर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास सच। एस और ये चे, तो ये हो गया हमारे पास सच। तो यह है दोस्तों एस को सीधे कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, तो उसको हम राइट साइड पर लिखेंगे। तो ये था दोस्तों एस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, राइट कॉन्सोनेंट की तरफ जब सीधा कॉन्सोनेंट आएगा तो हम राइट साइड पर लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।